अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरे पेपर प्लांट की अपडेट। और ये अब वज़न से जो है इनके ये शूट जो है इसकी झुक रही हैं। खैर, इसको मैं टाई करता हूँ अभी किसी तरीके से। तो बेसिकली थाई वेपर है ये, और इसी की दूसरी बहन जो है वो भी सामने है। इसके भी नंबर ऑफ पेपर्स जो है लगी हुई हैं और निकल रही हैं माशाल्लाह से। एक तो ये धूप की वजह से समझ में नहीं आ रहा, सही माशाल्लाह काफ़ी है लगी हुई और काफ़ी निकल रही हैं। ये भी वज़न की वजह से जो है गिर गई हैं। तो इसी तरह इसके बराबर में ये भी अब काफ़ी ह्यूज हो गया है प्लांट माशाल्लाह से, और इसकी भी जो है पेपर्स, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स इसकी लगी हुई हैं और निकल रही हैं अभी भी स्टिल माशाल्लाह। ये भी जो है वजन की वजह से झुक रहा है। इसको मैं अभी हार्वेस्ट कर दूंगा और माशाल्लाह से ब्यूटीफुल पेपर प्लांट। ये स्पिनच मेरी फिर से दोबारा रेडी होने वाली है। इसके मैंने कुछ छोड़ दिए थी शूट्स, ताकि इसके जो फ्लावरिंग है वो हो जाए और थोड़े सीड्स ले लूँ। तो अभी देखें सीड्स इसके तैयार हो रहे हैं और बाकी ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है। इसको मैं इंशाल्लाह हार्वेस्ट करूँगा, सीड्स छोड़ दूंगा ताकि सीड्स कंप्लीट अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट करें लाइफ साइकिल, और ये सूखे हैं उसके बाद मैं इसको सीड्स को जमा करूंगा इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी पेपर्स की अपडेट, और ये तो खैर ब्लैक पर्ल है। ये थोड़ी मैंने हार्वेस्ट की है माशाल्लाह से, काफ़ी सारी हो गई हैं और काफ़ी जो ग्रीन्स हैं वो मैंने अलग कर ली थी, रेड मैंने छोड़ ली थी। कुछ ग्रीन्स अभी भी इसमें नज़र आ रही हैं मुझे जो छाटने से रह गई हैं। बहरहाल, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी सियान पेपर है, ये मैड हैटर जिसको बिशॉप्स टेल, बिशॉप्स हैट भी कहते हैं, ये ब्लैक पर्ल है, फ्रेश है। ये ब्लैक पर्ल ड्राई करी हुई है मैंने, ये ड्राई करी थी सीड्स के लिए, बेसिकली सीड्स निकालने के लिए। देखें थोड़ा सा इसका झुरियाँ पड़ी हुई टाइप की हो रही हैं। और ये बर्ड्स आई हैं, ये हॉट थाई है, ये काफ़ी सारी मैंने अभी बाड़ दी हैं, लेकिन ये काफ़ी सारी अल्हम्दुलिल्लाह बच गई हैं, काफ़ी सारी यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम। तो ये सीड्स इनके मैं सबके दे रहा हूँ, जिसको सीड्स चाहिए हो तो मुझसे प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर ले। और आई एम सॉरी मैं पोस्ट नहीं कर सकूँगा इस दफ़ा जैसे कि यूजली करता आया हूँ। आप लोगों को जिसको भी चाहिए मुझसे फेसबुक मेरा जो फेसबुक ग्रुप है पाकिस्तान हाइड्रोपोनिक्स, उसमें आ जाएं फेसबुक पे, और वहाँ आके मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट कर लें, मेरा कांटेक्ट नंबर ले लें या मेरा एड्रेस ले लें और मुझसे आके रिसीव कर लें कराची में, जिसको भी चाहिए। और बहुत हाई यील्ड वैरायटी है ब्लैक पर्ल। ये बेसिकली दो क्रॉस हैं, रॉयल ब्लैक और एक ऑर्थोलियम है या कुछ एक ऐसी नाम है उनका, ये क्रॉस है बेसिकली। बहुत हाई यील्ड वैरायटी है और इसका फादर या मदर जो भी है वो दोनों सेम ही है तकरीबन, सिर्फ और सिर्फ जो ये रॉयल ब्लैक से क्रॉस हुई हुई है, रॉयल ब्लैक और एक और, तो रॉयल ब्लैक भी जो है पेपर वो भी वैरायटी बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ उसमें जो है लीव्स इसके पर्पलिश ब्लैक टाइप हैं, उसके अंदर जो लीव्स होते हैं उसके ऐसा नहीं होते। तो बहरहाल मैड हैटर की तो बात ही अलग है, इंतहाई क्रंची और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। लेकिन इसके टेस्ट की खूबी की बात ये है कि रेड मैड हैटर में कि आपका जो ये जो पार्ट है पूरा, ये आप पार्ट आप खा लें, यहाँ सीड्स नहीं होते लेकिन नीचे सीड्स होते हैं। जब तक आपके सीड आपके मुंह में आएंगे, जब आपको इसकी जो है मिर्चें आपको पता चलेंगी, वरना आप कहेंगे कि इसमें मिर्च है ही नहीं। तो बड़ी अजीब बात है, और हैलोपिनो से तेज़ है इसकी, हालांकि इसका जो हीट स्केल है हैलोपिनो से थोड़ा सा ऊपर है।
तो लेकिन वही बात है कि जब तक इसके सीड्स आपके मुंह में नहीं आएंगे जब तक आपको मिर्चें लगेंगी, और इंतहाई क्रंची है, बहुत क्रंची, बहुत मज़ेदार है। और ये खैर सियान पेपर्स तो है ही मशहूर, और हॉट थाई और ये बर्ड्स आई, ये भी इसकी बात अलग है। इसको भी ड्राई करके आप पाउडर बनाएं, या जैसे तड़के के तौर पे यूज़ करते हैं बेसिकली वो, या चाइनीज़ में स्पेशली काफ़ी यूज़ होती हैं चाइनीज़ डिशेस में, और ये भी आप अगर यूज़ कर सकते हैं चाइनीज़ डिशेस में। बहरहाल तो ये जिसके भी चाहिए सीड्स, इसके मैं सीड्स देने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन शर्त यही है कि सॉरी आपको आना पड़ेगा, या कुछ ऐसा कर लें कि आप खुद ही मंगवा लें। आजकल तो सर्विसेज बहुत आई हुई हैं बाइकिया टाइप की और इस टाइप की दूसरी, वो भी पिक करवा लेते हैं जो भी। तो जिसको भी चाहिए सीड हो तो मुझसे ले लें, और टोमेटोज़ के भी मेरे पास सीड्स हैं काफ़ी, येलो ब्रैंडी वाइन और रोज़ डिबर्ने वगैरह टाइप के, जर्मन जॉनसन वगैरह वो भी मेरे पास हैं, और पालक के भी मैंने अभी वो कुछ सीड्स जो है वो ट्राई के लिए मतलब वो छोड़ दिए थे मैंने स्पिनिच के अंदर, तो वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट होने वाले हैं वो भी, तो तैयार रेडी। तो वो भी अगर सीड्स होंगे तैयार तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग बेसिकली। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी, दुआ गो रहिएगा मेरे लिए भी, अपने प्लांट्स के लिए भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।